स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे इज योर कैपजेमिनी एग्जाम। आपका 8th ऑफ मार्च को भी था, 9th मार्च एंड आई गेस 10th ऑफ मार्च को भी है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द गेम बेस्ड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, एंड इफ वी गॉट गुड कमेंट्स और गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, देन वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू रिकॉर्ड अ वीडियो ऑन दी सूडो कोड्स ऑल्सो। जो भी आपके आज के एग्जाम में आए हैं द सूडो कोड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज। So students, as you can see, this is the short exam analysis for you. So in this video, we are going to cover the 9th March questions from Capgemini. Your game-based aptitude questions, we are going to discuss with the solution with easiest explanation. So this thing, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। By guess, जो भी students हमें follow कर रहे हैं, they knew it कि we always work with the short tricks and the easiest explanations. So those students who have given their exam, they can match their answers. And one more thing, those students who are having their exam on 10th of March, 11th of March or whatever XYZ, or in the coming months also, coming weeks also. So this video is going to be really helpful to you guys, because इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी आपके जो भी क्वेश्चन आए थे 9th of March में। So within a शॉर्ट टाइम हम आपको सारे क्वेश्चंस को अवेलेबल करेंगे और विद शॉर्टेस्ट ट्रिक्स, जिससे कि आप अपना कभी भी एग्जाम दो यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट। सो स्टूडेंट्स, बिफोर दैट द इफ यू आर न्यू टू द चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज प्रेस बेल आइकन सो दैट इफ देयर इज एनी अपडेट सो यू वुड गेट इट अर्लियर। सो वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स हु आर सीकिंग जॉब्स इन द प्राइवेट सेक्टर, आईटी सेक्टर, नॉन आईटी सेक्टर और द गवर्नमेंट सेक्टर, सो दे कैन सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऑन डेली बेसिस वी प्रोवाइड 1 to 2 वीडियोज ऑन प्लेसमेंट्स और द हायरिंग अपडेट्स। सो डेली हम एक दो अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। इफ वी आर अनेबल टू रिकॉर्ड अ वीडियो, सो वट वी डिड, सो हम अपने जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनमें आप लोगों के लिए वीडियोज की बजाय हम क्या करते हैं कि आपको लिंक और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। सो फॉर दैट ऑल्सो आप टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, उनसे भी जुड़ जाइए, जिससे कि आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। और इन फ्यूचर जो भी आपकी अपडेट्स होंगी, हम अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में भी अपलोड करते रहते हैं। सो आप दोनों चीज़ों से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं। बिफोर दैट लेट मी शो यू आर प्लेलिस्ट। अगर आपका इन कमिंग डेज कोई एग्जाम है, सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। सो इट विल टेक ओनली 30 seconds। So students, as you can see on the screen, this is our channel's playlist. So this is our channel, Government Private Job Alert. So I request you, please spread this channel in your Telegram groups, in your WhatsApp groups and college groups, so that Government Private Job Alert's family grow more fastly. So that it will also help you also, because देखिए, I know that in whole YouTube, कोई भी ऐसा YouTube चैनल नहीं होगा जो स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स हैं उन्हें देखता हो और टाइमली रिप्लाई करता हो। आई हैव सीन मैनी यूट्यूब चैनल्स, बिग यूट्यूब चैनल्स, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स भी हमने देखे हुए हैं, दे जस्ट व्हाट दे डिड, अपना वीडियो डालते हैं और बस खत्म, बिकॉज वो फोकस नहीं करते या ध्यान नहीं देते कि चलो अब आपने कुछ ऐसा कुछ वीडियो बना दिया एंड इफ स्टूडेंट्स आर हैविंग सम डाउट्स, सो आई थिंक इट्स अ कर्टेसी थोड़ा सा उन्हें भी देखते रहें। सो वी आर प्लानिंग और हम हाफ एन आवर डेली ऑन डेली बेसिस आप लोगों के लिए निकालते हैं, जिससे कि हम जो आपके कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई कर सकें। तो आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना रखिएगा। वी विल डेफिनेटली 100% तो नहीं, 99% हम गारंटी देते हैं कि हम आपको रेस्पॉन्ड बैक करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वी हैव आर प्लेलिस्ट ऑल्सो एंड देट आर कम्प्लीटली फ्री। लेट मी राइट देयर फ्री फर्स्ट, सो दे आर कम्प्लीटली फ्री एंड यू कैन सी देयर फर्स्ट इज योर 16 वीडियोज वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑफ विप्रो WILB प्रिपरेशन एंड Wipro NLTH preparation. After that, Infosys exam preparation. This is the second. You can see there Infosys exam preparation. 48 videos we have uploaded. After that, 108 videos of off-campus dives or latest job recruitments and 49 videos of TCS NQT preparation and 14 videos of TCS Smart Hiring interview preparation. Mean if you wanted to prepare for your interview, then also we are having our playlist. So you can go through them. That will be really helpful to you guys. So now coming back to our video, so we are focusing on exam analysis now. So 9th of March, so let's start with the questions. देखिए, आपके जैसे questions आते हैं हम उन्हें उसी टाइप से जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करके शो करेंगे। सो देखिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी इंक्रीज द ब्राइटनेस। सो यू कैन सी देयर आपका क्वेश्चन है, वट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, यू हैव टू टेल द सेम फिगर। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में वट एक्चुअली हैपन्स इज, आपको ये फिगर देखनी है, इस फिगर के अकॉर्डिंग जो इसमें रिलेशन है,
यू हैव टू टेल द सेम रिलेशन विद इन फोर, मीन जो आपका आंसर होगा वो दो फिगर्स होंगी, या तो ए डी या बी सी या ए बी या जो भी आपके पैरामीटर्स होते हैं, मतलब सारे जो भी हैं आपके, इनमें से कोई आपका केस हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए आप, अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब आप जो आपकी आंसर फिगर है उसे देखिए। तो यहाँ पे देखिए, आपकी कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपकी रिपीट नहीं हो रही है, दैट मीन्स जो आपका ऑप्शन बी है ये तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा आपका। बिकॉज देखिए यहाँ पे आपकी जो सेकंड रो है ये रिपीट हो रही है, बट यहाँ पे देखिए एज सच हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज देखिए हमने एक रिमूव कर दिया ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, यहाँ पे देखिए तीन आपके जो रोज हैं, रो थ्री है आपकी, वो भी रिपीट हो रही है, बट यहाँ पे देखिए एज सच कुछ भी नहीं है कि आपके जो रो है वो रिपीट हो रही हो। बट आप एक चीज पे फोकस कीजिएगा यहाँ पे इस फिगर में, बिकॉज देखिए अगर हम रिपीट से जाएं तो जो हमारा आंसर है वो उस लॉजिक से सेट नहीं होगा, लेकिन आपने एक चीज फोकस की होगी कि इस फिगर में और इस फिगर में सिर्फ आपके दो ही जो फिगर्स हैं वही हैं। दो फिगर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, वन इज सर्कल एंड वन इज स्क्वायर। देखिए आपको थर्ड कोई भी फिगर इस पूरे बॉक्स में नहीं दिख रहा होगा। सिमिलरली विद दैट आपको देखिए प्लस और ट्रायंगल के अलावा, अपार्ट फ्रॉम ट्रायंगल एंड प्लस, आपको कोई तीसरी फिगर नहीं देखने को मिल रही। दैट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ दो ही फिगर का होने वाला है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर भी आपके पास, ट्रायंगल भी और सर्कल भी, दैट मीन्स ये आपका आंसर नहीं होगा। गेटिंग? उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें इस वाले में और थर्ड में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है और ट्रायंगल है और बाकी कोई भी फिगर नहीं है। दैट मीन दिस इज दी पॉसिबिलिटी, बिकॉज देखिए हमने जो लॉजिक आपको दोनों बताए रोज के और कॉलम्स के, दैट डिड नॉट फिट। अगर वो फिट नहीं हुए तो हमें कुछ ना कुछ फिट करना होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से देखिए प्लस भी है हमारे पास, ट्रेंगल भी है, एंड वी हैव दिस स्क्वायर आल्सो। दैट मींस ये भी आपका आंसर करेक्ट नहीं है। तो देखिए अब रिमेनिंग क्या आपके पास, बी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस वे से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपका क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आई गेस ये हमने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट देखिए, ये आपका सिमिलर हमने जैसे आपको बताया था, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आपको देखने को मिल रहा होगा जो आपका रो टू है, द रो टू इज कॉमन इन बोथ द बॉक्सेस। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपका कुछ सिमिलर है, ये भी आपका सिमिलर है। दैट मीन्स अब हमें ऐसा कुछ सोचना है, ऐसा कुछ देखना जो सिमिलर हो। दिस इज नॉट सिमिलर, दैट मीन्स दिस विल नॉट बी द आंसर। इज द सिमिलर, दिस इज ऑल्सो नॉट द सिमिलर, दैट मीन्स दिस इज नॉट द आंसर। आफ्टर दैट यू कैन सी दिस इज सिमिलर, येस रो टू इज सिमिलर, एंड देयर ऑल्सो सर्कल इज सिमिलर, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज योर बी एंड डी। तो आपको जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी डी। गेटिंग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका स्क्वायर ट्रेंगल फिर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए स्क्वायर ट्रेंगल स्क्वायर, ओके दैट मीन्स आपका रो वन और रो थ्री रिपीट हो रहा है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज जो आपकी बाकी दो फिगर हैं, मीन स्क्वायर एंड ट्रेंगल, अपार्ट फ्रॉम स्क्वायर एंड ट्रेंगल वी हैव प्लस एंड सर्कल ऑल्सो इन द क्वेश्चन। दैट मीन्स और जो बाकी दो हैं दे आर इन द मिडल ऑफ द रो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या आपका प्लस स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे आपका सर्कल एंड देन द प्लस। दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये क्या आपका दो कॉर्नर्स पे आपके क्या है सिमिलर है, मीन सारे जो कॉर्नर्स हैं स्क्वायर, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एंड देयर ऑल्सो। दैट मीन्स आपका कौन से कॉर्नर्स पे रिपीट हो रहा है, वन टू थ्री फोर, दैट मीन्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ओके वन टू थ्री फोर, ओके यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए इट इज नॉट रिपीटिंग, दैट मीन्स दिस विल नॉट बी द आंसर। यहाँ पे देखिए ये रिपीटेड है सारे कॉर्नर्स पे, नो दिस इज नॉट द आंसर। सो देखिए डायरेक्टली आपको ये सारी चीजें जो आपके रो टू है, रो टू में क्या लिखा है, ये सारी चीजें आपको देखनी नहीं थी इस क्वेश्चन में। आपको डायरेक्टली क्या था कि आपके जो एक्सट्रीम कॉर्नर है वहां पे आपको सिमिलर फिगर है, तो अगर आपके जो आंसर स्टेटमेंट है अगर आपको वहां पे सिमिलर मिल रही है, दैट मीन्स दैट विल बी योर आंसर। सो आई गेस कितने इजीएस्ट फॉर्म में हमने आपको क्वेश्चन को समझाया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी इसको अच्छे से देख लिया। यहाँ पे देखिए आपके ट्रायंगल सिमिलर है, यहाँ पे भी ट्रायंगल सिमिलर है। अब बीच की रो को भूल जाइए, बीच की कॉलम को भूल जाइए, सॉरी दिस इज कॉलम नॉट रो। अब यहाँ पे देखिए सिमिलरली आपका जो कॉलम थ्री और कॉलम वन है ये कॉमन है, दैट मीन्स हमें ऐसी फिगर वी हैव टू सर्च आउट जो कॉमन हो। यहाँ पे देखिए दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन, यहाँ पे देखिए दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन। अब यहाँ पे देखिए इज दे कॉमन, नहीं, बिकॉज वी हैव सर्कल देयर, दैट मीन्स ये आपका रॉन्ग हो गया। एंड चेकिंग देयर ऑल्सो, यहाँ पे देखिए ये आपका ट्रेंगल है, इट इज ओके, बट यहाँ पे आपका स्क्वेयर आ गया, दैट मीन्स दिस इज नॉट द करेक्ट। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, लास्ट टू फिगर सी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सिमिलरली आपका फर्स्ट
जो रो है और जो सेकंड रो है ये कॉमन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका जो स्क्वायर है फर्स्ट और सेकंड ये भी कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए आपका, तब आप फिगर देखोगे तो आपको डायरेक्टली स्ट्राइक होगा कि ये जो आपकी रो वन है और रो टू है, और ये आपकी रो वन है और रो टू है, ये दोनों कॉमन है। दैट मीन्स आपको कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली यू हैव टू टेक योर लास्ट टू ऑप्शन। देखिए कितना ईजी था। सिमिलरली आपको सारे क्वेश्चन में ऐसे ही देखना था, और जो भी अगर क्वेश्चन कोई मिस हो गया हो या आपके क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर नहीं किए हों, तो आप देख लीजिए आपको कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का टाइप है, आपके ग्रिड टाइप है। यहाँ पे देखिए, ये आपके ट्रेंगल फर्स्ट रो में भी है, आपके सेकंड रो में भी है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ट्रेंगल फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है। आपको थर्ड रो तक पहुँचना ही नहीं है, उससे पहले आप फर्स्ट टू रोज को ही देख लीजिए। अगर आपको कुछ सेम मिल रहा है या सिमिलर है कुछ, तो देन आपको और कुछ सर्च आउट करने की जरूरत ही नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए, वन टू ये सिमिलर है, यहाँ पे देखिए ये दोनों सिमिलर है। दैट मीन्स योर बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे देखना ही नहीं था, यू डू नॉट हैव टू लुक देयर, बिकॉज यहाँ पे हमारे रोज कॉमन है ना कि हमारे कॉलम्स कॉमन है। गेटिंग, बिकॉज वी आर डीलिंग हियर रो वन, दिस इज रो वन, गेटिंग, दिस इज रो टू, ये आपकी रो टू होती है, ये रो थ्री होगी आपकी, यहाँ पे होता है कॉलम सी वन, कॉलम वन, ये हो जाएगा आपकी सी टू, कॉलम टू ये हो जाएगी कॉलम थ्री, दिस इज योर सी थ्री, गेटिंग। अब देखिए, अब आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जो हमने अभी आपको बताया था, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर डी ऑप्शन, बी डी, गेटिंग। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये आपका प्लस है यहाँ पे कॉलम वन में और कॉलम थ्री में, मीन यू आर हैविंग सेम साइन इन कॉलम वन एंड कॉलम थ्री। सो व्हाट यू हैव टू डू देयर, यू हैव टू चेक कॉलम एंड कॉलम वन एंड कॉलम थ्री, ओके, वी हैव वन फिगर। बिकॉज देखिए, अगर हमने, अगर यहाँ पे सारी फिगर्स में आपको कॉलम वन और कॉलम थ्री कॉमन मिलेंगे, तो देन वी हैव टू गो टू दिस कॉलम टू ऑल्सो, बट ऐसा कुछ नहीं है। So we are having only the column 1 and column 3. So firstly we are going to search, as I told you already, कि पहले हमें कॉमन कॉलम 1 और कॉलम 3 में सर्च करना है। अगर हमें सारी कॉलम सेम मिलती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो हमें आगे इस पर फोकस करना था, इस कॉलम 2 पर फोकस करना था कि ट्रेंगल स्क्वेयर सर्कल है, तो देन वी हैव टू डील इन इट। बट यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ है ही नहीं आपका, गेटिंग। तो यहाँ पे अब आप देखिए कॉलम वन और कॉलम थ्री, यहाँ पे देखिए कॉलम वन और कॉलम टू, दैट मीन्स दिस विल नॉट बी द आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलम थ्री और कॉलम फोर है, बट हमें चाहिए कॉलम वन, दिस इज आवर कॉलम वन एंड दिस इज आवर कॉलम थ्री, सो दैट मीन्स हमें अभी ये भी नहीं चाहिए, सो वी हैव टू कैंसिल आउट दिस ऑल्सो। सो वी आर डीलिंग विद इट कॉलम वन एंड कॉलम थ्री, दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ए एंड डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन है आपका, आई गेस ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। यहाँ पे देखिए सारे, ओके, दिस इज एन एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए सिमेट्री है, यहाँ पे भी सिमेट्री है, दैट मींस वी हैव टू सर्च फॉर सिमेट्री। तो आपकी कॉलम फिगर वन में और आपकी जो फिगर फोर है, मीन फिगर वन एंड फोर वी आर हैविंग ओनली द सिमेट्री, दैट इज वाई द आंसर विल बी योर ए एंड डी। सो दिस इज द एग्जांपल ओनली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखिए, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ये आपका कॉलम, सॉरी ये आपका रो है, इस साइड वी मूव इन राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, दिस इज अ रो। सो देखिए आपका जो रो टू है दैट इज कॉमन। यहाँ पे देखिए, अगेन वी आर गेटिंग रो टू कॉमन, दैट मीन्स वी हैव टू सर्च इन द आंसर फिगर जहाँ पे आपकी रो टू इज कॉमन। तो यहाँ पे देखिए, आपकी सिंपल रो टू यहाँ पे कॉमन है एंड योर रो टू इज कॉमन देयर। सो व्हाट यू हैव टू डू, डायरेक्टली योर आंसर इज ए एंड डी, यू डू नॉट हैव टू सर्च एनीथिंग, बिकॉज यहाँ पे देखिए जो आपकी रो टू है दिस इज नॉट कॉमन, यहाँ पे देखिए दिस इज नॉट कॉमन, दैट मीन्स आपका डायरेक्टली जो आंसर है वो आपका ए और डी ही होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर है आपका, बट आई गेस आप इसे समझ लोगे। जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा फिगर को मिनिमाइज कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई गेस आपको विजिबल है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 4x4 है, और देखिए एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कैपजेमिनी में क्या होता है आपका, कि इनिशियली जो दो राउंड्स होते हैं आपके सूडो कोड और इंग्लिश, अगर वो आपको क्वालिफाई हो गए, देन ओनली यू आर गोइंग टू हैव योर गेम एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। अगर आपके वही क्वालिफाई नहीं है, देन यू विल बी आउट ऑफ द एग्जाम, आपको आगे एग्जाम देना अलाउड ही नहीं होगा। गेटिंग, आफ्टर दैट अगर जैसे आप क्वेश्चंस करते रहते हो, तो जैसे जैसे आपके करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो आपकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैपजेमिनी इंक्रीज करता रहता है। एंड इफ योर डिफिकल्टी लेवल इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, दैट मीन्स यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन अ राइट वे, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज द डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर मार्क्ड फॉर हायर मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल सॉल्व, जो ईजियर क्वेश्चन है आपके 2 मार्क का है, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो 4 मार्क का है। आप इसे ठीक करते हो और एक जो स्टूडेंट है वो इसे ठीक करता है, तो देखिए सिलेक्शन किस स्टूडेंट का होगा, आप खुद देख लीजिए इस बात को।
तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए, यू हैव टू फाइंड द क्वेश्चन मार्क। आई गेस आपको ये इतना तो विजिबल होगा कि कौन सी फिगर में क्या आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज योर प्लस, दिस इज योर ट्रायंगल। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पे पहले ये देखना था, ये आपका प्लस है, ये आपका क्या है, सर्कल है। तो देखिए यहाँ पे ना इस फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, पहले इस वाले की बात हो रही है अभी। दिस इज नॉट सर्कल, सॉरी दिस इज नॉट सर्कल, ये सिर्फ आपके एक एनसर्कल किया था मैंने। यहाँ पे देखिए ये आपका ट्रेंगल है, ये प्लस है और सर्कल। दैट मीन्स ना ही इस जगह पे ट्रेंगल आ सकता है, ना ही प्लस आ सकता है, ना ही सर्कल आ सकता है। दैट मीन्स हेयर ओनली स्क्वेयर और रेक्टेंगल विल कम। अगर यहाँ पे स्क्वेयर रेक्टेंगल है, यहाँ पे प्लस है, सो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज डेफिनेट यहाँ पे ट्रेंगल होगा। दैट मीन्स जो आपका आंसर है वो ट्रेंगल भी नहीं हो सकता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको रॉन्ग करके, बिकॉज अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कुछ पॉइंट्स को एलिमिनेट करके डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो, गैस कर सकते हो। 50% चांसेस होगी कि जो आपका क्वेश्चन है वो ठीक हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, ट्रेंगल स्क्वेयर प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा आपका सर्कल। अगर यहाँ पे सर्कल हो गया, ओके, यहाँ पे वी हैव सर्कल एंड देयर वी कैन नॉट मेक सर्कल, सो दैट मीन्स जो आपकी ये फिगर है, क्वेश्चन फिगर, यहाँ पे आपको सर्कल ही आंसर होना होगा। दैट मीन्स जो आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज योर लास्ट ऑप्शन, सर्कल। क्योंकि देखिए यहाँ पे सर्कल नहीं हो सकता, दिस इज फॉरबिडन बिकॉज वी हैव सर्कल एट दिस पॉइंट। नाउ यहाँ पे सर्कल है, दैट मीन्स इस पूरी लाइन में सर्कल नहीं हो सकता, गेटिंग, बिकॉज वी हैव सर्कल देयर, तो यहाँ पे भी सर्कल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए, सर्कल अगर यहाँ पे है, दैट मीन्स इस पूरी फिगर में सर्कल हो ही नहीं सकता, तो सर्कल यहाँ भी नहीं हो सकता इस पॉइंट पे, और सर्कल यहाँ भी नहीं हो सकता इस पॉइंट पे, और यहाँ पे ऑलरेडी ट्रायंगल सेट है, सो सर्कल कहाँ पे हो सकता है, ओनली एट द क्वेश्चन मार्क। आई गेस क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमने, और आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई गेस आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन तो मैं नहीं बोलूंगा, इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, स्क्वेयर प्लस ट्रेंगल, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे इजीएस्ट फॉर्म आपकी सर्कल हो जाएगी। दिस इज बेसिक। अगर यहाँ पे सर्कल है, दैट मीन्स यहाँ पे आपकी सर्कल नहीं आ सकता, गेटिंग, दैट मीन्स हमने रिमूव कर दिया, सर्कल विल नॉट कम देयर। नाउ यहाँ पे देखिए, ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस है, सॉरी ये सर्कल है, ये स्क्वेयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेंगल। अगर यहाँ पे ट्रायंगल हो गया, अब यहाँ पे देखिए ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये सर्कल हो गया, अब हमें यहाँ पे सेट करना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट यू कैन डू इज, ये आपका सर्कल को जो क्वेश्चन मार्क है, अब क्वेश्चन मार्क पे आइए पहले, उसे छोड़िए, यहाँ पे देखिए पहले डायरेक्टली फोकस कीजिए, सर्कल नहीं हो सकता बिकॉज सर्कल ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्यूपाई हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखिए, जब आपका ये सर्कल यहाँ पे ऑलरेडी है, ये वाला सर्कल आपका ऑलरेडी है, और ये आपका यहाँ पे स्क्वेयर है, तो जब आपका यहाँ पे स्क्वेयर हो गया एंड ट्रेंगल विल नॉट कम देयर, यहाँ पे ट्रेंगल नहीं आ सकता, गेटिंग, और ट्रेंगल जो है आपका, ट्रेंगल यहाँ पे भी नहीं आ सकता। आप ट्रेंगल को देखिए, बिकॉज ट्रेंगल यहाँ पे है, दैट मीन्स ट्रेंगल विल नॉट कम देयर, ट्रेंगल विल नॉट कम देयर बिकॉज ट्रेंगल ऑलरेडी है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका है, ये हमें सेट करना था कि यहाँ पे क्या आने वाला है। तो देखिए ये आपका प्लस है यहाँ पे, फिर से देखिए ट्रेंगल हमें यहाँ मिल गया है, दैट मीन्स ट्रेंगल ना तो यहाँ आ सकता है ट्रेंगल, और ना ही ट्रेंगल इस पोजीशन पे आ सकता है, गेटिंग। अब आप एक चीज समझिए, दिस इज योर प्लस, दिस इज योर स्क्वेयर, ये आपका प्लस हो गया, ये स्क्वेयर हो गया, दैट मीन्स यहाँ इस पोजिशन पे, पहले इस पे फोकस कीजिए, अब इस पोजिशन पे या तो आपको सर्कल मिल सकता है या आपको यहाँ पे ट्रेंगल मिल सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए, जो आपका ट्रेंगल है वो ट्रेंगल आपका यहाँ नहीं आ सकता, आप देखिए ट्रेंगल आपका यहाँ नहीं आ सकता, ट्रेंगल यहाँ नहीं आ सकता, ट्रेंगल यहाँ नहीं आ सकता, दैट मीन्स जो आपका ट्रेंगल है वो कहाँ आ सकता है, आप ये चीज देखिए थोड़ा सा पहले, बिकॉज ओके, देखिए बिट कंफ्यूजिंग हो गया, जस्ट अ सेकेंड, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, लेट मी टेल यू अगेन, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, वो फिगर वहाँ पे ऑलरेडी सर्कल सेट कर दिया था और यहाँ पे हमने सर्कल को क्रॉस कर दिया था। यहाँ पे देखिए आपका स्क्वेयर है, प्लस है, ट्रेंगल है, तो यहाँ पे आपका सर्कल हो गया, डन। अब आपका सर्कल यहाँ हो गया, तो दैट मीन्स सर्कल यहाँ आ नहीं सकता बिकॉज सर्कल इज ऑलरेडी देयर, दैट मीन्स आपका सर्कल यहाँ आएगा, इफ सर्कल इज देयर, दैट मीन्स ट्रेंगल विल बी देयर, सो योर आंसर विल बी सी। ईजी क्वेश्चन था, जस्ट वो फिगर आउट हो गया, यहाँ पे हमने सर्कल को क्रॉस कर रखा था, दैट मीन्स कि वो आ नहीं सकता, और उसी हिसाब से हम अभी सर्च कर रहे थे, गेटिंग, सो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ पे देखिए ट्रेंगल है आपके पास, प्लस है आपके पास स्क्वायर है, दैट मीन्स ट्रेंगल है हमारे पास, प्लस है और हमारे पास स्क्वायर है, दैट मीन्स इस पॉइंट पर सर्कल आएगा। इफ यहाँ पे सर्कल आ गया, यहाँ ट्रेंगल है, यहाँ स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा आपका, ऑब्वियस यहाँ पे आपका प्लस आएगा, सो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपकी फिगर कंप्लीट है, ओके। यहाँ पे इजीएस्ट क्वेश्चन है, तो बिकॉज यहाँ पे देखिए सर्कल ट्रेंगल प्लस, तो आपका व्हाट इज रिमेनिंग देयर, स्क्वायर, डायरेक्ट योर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। आफ्टर दैट सी, ये जैसे जैसे आप करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, और अगर देखिए आपको 5 बॉक्सेस के अगर आप 2 पजल्स भी सॉल्व कर देते हो, 2 ग्रिड्स भी सॉल्व कर देते हो, दैट मीन्स यू आर इन अ सेफ स्कोर। अब आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं 5 जो आपके बॉक्सेस होते हैं 5x5, और आप इन्हें अगर 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हो, दैट मीन्स आप काफी अच्छे पोजिशन में हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिए हमें वी हैव टू फाइंड क्वेश्चन मार्क फ्रॉम देयर, सो मैं इसे सर्कल नहीं करूंगा बिकॉज लास्ट टाइम भी सर्कल करके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था, तो आप इसे क्वेश्चन मार्क ही रहने दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे प्लस है, स्टार है, और देखिए यहाँ पे जो आपका स्क्वायर है ये तो आ ही नहीं सकता, दैट मीन्स आप यहाँ पे कैंसिल कीजिए स्क्वायर को डायरेक्टली, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे स्क्वायर यू विल नॉट बी गेटिंग। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ सकता और यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं आ सकता, दैट मीन्स स्क्वायर तो यहीं आएगा सिर्फ, इस लाइन का स्क्वायर जो है। अगर अब आप यहाँ देखिए, ये आपका स्क्वायर हो गया, ये स्टार, ये प्लस, अब यहाँ देखिए इस पोजीशन पे क्या आ सकता है, सर्कल, स्क्वायर और स्टार, सर्कल, स्क्वायर, स्टार, तो ट्रेंगल और प्लस आ सकते हैं सिर्फ, ट्रेंगल, सॉरी ये स्टार है, ओके ओके, ये ट्रेंगल और आपका ये स्क्वायर ऑलरेडी है वहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, ट्रेंगल और प्लस रिमेनिंग है। तो देखिए ये प्लस हमारे पास यहाँ ऑलरेडी है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ ट्रेंगल ही हो सकता है, और प्लस हम यहीं रख सकते हैं ओनली। अगर यहाँ पे ट्रेंगल है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्टार है, यहाँ प्लस है, दैट मीन्स योर आंसर विल बी प्लस है। देखिए 5 फिगर का बेसक था, आप इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, बट देखिए कितना अच्छा आपका क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये देखिए ये भी आपका 5x5 का ही पजल है, और यहाँ पे देखिए ये भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज देखिए मोस्टली क्या होता है, जो भी आप यूट्यूब पर देखते हो, वीडियोस देखते हो, वो आपको 4x4 ही करवाते हैं, बिकॉज वो होते हैं इजी, टू बी फ्रैंक एंड टू बी फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो क्या होते हैं आपके काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो 5x5 के आपके पजल्स होते हैं, पजल नहीं बोलेंगे, इसे ग्रिड बोल लीजिए, कुछ ही बोल लीजिए, ये थोड़े से क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो चलिए हम कॉम्पैक्ट और कॉम्प्लेक्स को ही आपके इजिएस्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका स्टार है, सॉरी स्टार आपका यहाँ पे है, ओके। यहाँ पे देखिए ये आपका स्टार हो गया, ये प्लस हो गया, ये ट्रेंगल हो गया, दैट मीन्स स्टार प्लस ट्रेंगल, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे जो सर्कल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्कल ऑलरेडी है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे सर्कल नहीं आ सकता, दैट मीन्स सर्कल विल कम हेयर ओनली। और अगर यहाँ पे आपका सर्कल आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, बिकॉज वी हैव ट्रेंगल, वी हैव प्लस, वी हैव सर्कल, वी हैव स्टार, दैट मीन्स वी डो नॉट हैव स्क्वायर इन दिस फिगर, इन दिस लाइन, सॉरी इन दिस कॉलम पर्टिकुलर, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर आ गया। अब देखिए स्क्वायर और आपका सर्कल ऑलरेडी आ चुका है इस फिगर में, दैट मीन्स आपका जो स्क्वायर है इसे रिमूव कर दीजिए, और आपका जो सर्कल है, क्योंकि देखिए इन्हें हम रिमूव करना इसलिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर आपको लास्ट पॉइंट पे टाइम आपके पास नहीं बचता है, तो अगर आप गेस भी करो तो आप मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ करो, जो आपके मिनिमम जो ऑप्शन है वो आपके पास रिमेनिंग हो। तो देखिए 2 हमने एलिमिनेट कर दिए डायरेक्टली। अब आप यहाँ पे देखिए ये आपका डन हो गया इतना। अब यहाँ देखिए ये आपका क्या था, ये आपका स्क्वेयर था, तो इसका मतलब स्क्वेयर क्या है कि इस पूरी लाइन में नहीं आ सकता। यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज ये आपका यहाँ पे प्लस है, देयर इट इज प्लस, और यहाँ प्लस आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस नहीं आ सकता, इस पूरी लाइन में तो प्लस आ ही नहीं सकता, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्लस मिल चुका है। तो आप यहाँ देखिए ये आपका जो पॉइंट है इसे फोकस कीजिए, पहले रब कर लेते हैं, बिकॉज क्या होता है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हो जाती है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इसे क्रॉस को रब कीजिए, और इन दोनों को रहने दीजिए बेशक, बिकॉज ये हमारे क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो अब आप इस पॉइंट पे फोकस कीजिए, पहले इसे छोड़िए, पहले इस पॉइंट पर देखिए, बिकॉज यहाँ पे क्या हमारे पास 2 रिमेनिंग है। यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस है, सॉरी ये आपका सर्कल है, ये आपका स्क्वायर है, तो इस पॉइंट पे ना तो सर्कल आ सकता है, इस पॉइंट पे, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस वाले की, इस पॉइंट की, ना तो यहाँ पे सर्कल आ सकता है, ना स्क्वायर आ सकता है, ओके हमने 2 रिमूव कर दिए, डन। ना यहाँ पे स्टार आ सकता है, ना प्लस आ सकता है, ना स्टार, ना प्लस, ना सर्कल, ना स्क्वायर, सो व्हाट विल कम हियर, ओनली ट्रायंगल इज लेफ्ट। आई गेस आपको समझ में आ गया, दैट मीन्स जो आपका आंसर होगा उसमें ट्रायंगल भी नहीं आ सकता।
गेटिंग, नाउ वी आर लेफ्ट विद प्लस एंड स्टार, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? अभी और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये क्या हो गया आपका, ये देखिए सर्कल यहाँ हो गया आपका, और सर्कल इन दो जगह पे कहीं भी आ सकता है, लेकिन सर्कल यहाँ नहीं आ सकता, वाई? बिकॉज सर्कल यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका सर्कल, बिकॉज देखिए ये जो ग्रिड है आपकी काफी अच्छी है, कॉम्प्लेक्स है, इसे हम पूरा सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे सर्कल आ गया तो यहाँ क्या आ सकता है, ट्रायंगल स्टार सर्कल प्लस, सो यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया आपका, यहाँ पे देखिए ये आपका स्क्वायर हो गया, ये स्टार हो गया, दो फिगर्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आपका ट्रायंगल स्क्वायर और सर्कल, यहाँ पे अब भी हमारे पास क्या दो हैं, या तो स्टार आ सकता है ओके, या आपका प्लस आ सकता है। अब स्टार आ सकता है यहाँ पे या प्लस आ सकता है, इतना डन है अभी सिर्फ हमारे पास। लेकिन अब आप एक चीज पे फोकस कीजिए, जो आपका स्टार है, आपको स्टार यहाँ पे मिल गया, दैट मीन्स स्टार आपका इस पूरी लाइन में नहीं आ सकता, बिकॉज स्टार हमें यहाँ पे ऑलरेडी है, ये आपका स्टार यहाँ पे है एक, ये भी नहीं आ सकता यहाँ इस पॉइंट पूरे पॉइंट तक, तो स्टार देखिए आपके पास एक यहाँ पे, एक यहाँ पे स्टार, आप ना यहाँ स्टार ला सकते हो ना यहाँ स्टार लगा सकते हो, तो आपके पास रिमेनिंग क्या पोजिशन बची, तो आप देखिए स्टार या तो आप यहाँ लगा सकते हो सिर्फ, या तो ये आपकी एक पोजिशन स्टार की, या आपकी ये पोजिशन है, गेटिंग? अगर हम सिर्फ स्टार पे ही फोकस करते हैं तो अब आप यहाँ पे एक चीज पे पॉइंट, तो आप यहाँ पे देखिए इस स्टार को आप यहाँ से हटाइए, पहले ये देखिए ये आपका प्लस है यहाँ पे, ये ट्रायंगल है आपका, और देखिए ये आपका यहाँ पे प्लस सर्कल नहीं आ सकता यहाँ पे, गेटिंग? यहाँ पे सर्कल नहीं आ सकता, और हमें इन दोनों पोजिशन पे सर्कल चाहिए, तो आपका सर्कल कहाँ आएगा, यहाँ पे, वाई नॉट हेयर, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव अ सर्कल। तो देखिए स्टार्स को रिमूव कर दीजिए पहले यहाँ से दोनों स्टार्स को, अब देखिए अब आपके पास यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, अगर हमारे पास यहाँ पे सर्कल आ जाता है, तो अब यहाँ पे देखिए सर्कल, ये ऑलरेडी हमें सर्कल मिल गया, तो अब आप यहाँ देखिए ये क्या हो गया आपका, ये सर्कल यहाँ हो गया, उसके बाद जो आपका यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, एक सेकंड दीजिए, तो देखिए यहाँ पे देखिए काफी इजी हो गया, अभी यहाँ हमने सर्कल सेट कर दिया, और देखिए अब हमें यहाँ पे सेट करना था स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर इस लाइन में नहीं आ सकता, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव अ स्क्वायर इन दिस रो वन, सॉरी कॉलम वन, तो स्क्वायर आपका यही आएगा, दैट मीन्स अगर यहाँ पे स्क्वायर आ गया, यहाँ सर्कल आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे स्टार आएगा, और वी हैव टू पॉसिबिलिटीज कि आपका स्टार या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, बट स्टार अगर हमें यहाँ पे मिल गया, दैट मीन्स ये आपकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई, तो जो आपका स्टार है वो इस क्वेश्चन पार्क पे ही मिलेगा, दैट मीन्स जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो आई गेस आपको जो ये टाइप्स के क्वेश्चंस थे ये आप अब इजीली हैंडल कर लोगे, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लास्ट में रखा था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, और हमने ये जो सारी चीज़ें हैं ये धीरे धीरे सॉल्व की थी, बट आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्टली यहाँ से पॉइंट आउट करते और आप यहाँ से स्टार को रिमूव करके डायरेक्टली आप देख सकते थे, लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या पता कल ये वाला ना आए, बिकॉज देखिए रिपीट होते हैं लेकिन इतना भी रिपीट नहीं होते, सो ये हमने एक बेसिक लॉजिक दिया आप लोगों को कि अगर आपका एग्जाम कल है या फिर कभी भी आप इस वीडियो को देखो, सो हम यही चाहते हैं कि आपके पास जो वीडियो है ये रिसोर्सेज है वो मैक्सिमम यूटिलाइज आप कर सको। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वी गेस हमने सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे जो लॉजिक्स थे आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, और अगर अभी भी कोई रिमेनिंग हो सो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू फॉर योर कमिंग एग्जाम्स।